आज हम बनाएंगे करेले के सेब में नमकीन मटरी। ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसे हम हर समय कभी भी बना कर रख सकते हैं। खासकर त्योहारों में तो इसे हम ज़रूर बनाते हैं, जैसे होली में है, दीपावली में, और अन्य त्योहारों में भी इसे हम बनाकर पहले से रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। 2 कटोरी हमने मैदा ले ली है, 1 ग्राम से 200 ग्राम है, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच कलौंजी। अब थोड़ा सा जगह करते हुए 1 चम्मच हम तेल ले लेंगे। जब गर्मी का टाइम आ जाता है तो तेल की मात्रा हम थोड़ी सी कम लेते हैं। अब दोनों हाथों से हम मैदा को और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है, एकदम टाइट मुट्ठी नहीं बांधना है। थोड़ा कम मौन जब हम देते हैं और वो नमकीन बनकर तैयार होता है गर्मियों में तो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अब हम डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। दोस्तों, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। इसे हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसल लिया है। देखिए इसे हमें इतना कड़क रखना है, ज़्यादा गीला रखेंगे तो हमें बेलने में बनाने में दिक्कत आएगी। चलिए थोड़ा सा तेल का हाथ लगा दिया है, अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। इतना डो तैयार करने में 1/2 गिलास पानी लगा है। चलिए अब मैदा अच्छी तरह से सेट हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मटरी नमकीन को हम बनाना देख लेते हैं। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, बनाना इजी हो जाएगा। पहले राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा आटे को कड़क मसला था और अच्छी तरह से मसल लिया था, तो हर स्टेप में हमें आसानी हो रही है। अब इस तरह से चपटी चपटी पेड़े बना लिए हैं, और इसे हम पूड़ी जैसा पतला बेल लेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक के हर स्टेप इतने इजी है कि जिसको थोड़ी सी भी कुकिंग आती है वो आसानी से इसे बना लेगा। चाहे तो इसे आप मैदा लगाकर भी बेल सकते हैं, आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से बेल लीजिए। सभी पूड़ियों को हमने बेल लिया है, अब हम आगे देख लेते हैं इसमें हमें कट कैसे लगाना है और शेप कैसे देना करेले का और मटरी का। एक राउंड शेप, एक पट्टे में हम 3, 4, 5 जितनी भी आ जाए उतनी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि 4 ही रखना है। अब देखिए इस तरह से हम हर पूड़ी में कट देंगे, इनको कटिंग करने में कोई टाइम नहीं लगता है। ये बीचों बीच हमें कटिंग करना है, आजू बाजू के चारों तरफ के छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, कुछ पुड़ियों में हमने चाकू से कट लगा ली है। अब इसका हम शेप देख लेते हैं कैसे देना है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ए, और आजू बाजू के जो कोने हैं उनको अच्छे तरह से हल्के हाथों से दबा देंगे। एक करेले के सेब में मटरी बन गई है। अभी हम राउंड शेप दे रहे हैं तो वो आपको बतला रहे हैं। दोनों तरफ हमने पानी लगा दिया हल्का हल्का सा, ऐसे इस तरह से। चलिए अब हम पास से बता दे रहे हैं आपको किस तरह से हमें चिपकाना है। ये आसानी से चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। जब इसे हम तलते हैं ना तो अच्छे खिले खिले
अच्छे शेप दिखता है इसका। आखिरी के कोनों में भी हम पानी का हाथ लगा लेंगे तो ये प्रॉपर चिपक जाएंगे। कुछ मटरी हमने राउंड शेप में बना ली है, अब कुछ मटरी हम आधे के करीब करेले के शेप में बना लेंगे। चलिए, दोनों प्रकार की मटरियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया, इसे अब हम तलने के प्रोसेस में चलते हैं। गैस में हमने कढ़ाई को रखकर तेल डाल दिया है और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। जब हम मटरियों को डालेंगे तो गैस को तेज रहने देंगे और जब मटरी हम डाल चुके होंगे उसके बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे और इनको तलने में विशेष कोई टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 बार अल्टा पलटी करना पड़ता है और ये 3 से 4 मिनट में तलकर तैयार हो जाती है। चलिए, इनको हमने तल लिया है, दूसरे भी इसी प्रकार से तल लेंगे। अच्छा, इनको तलने में तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसे आप त्योहारों में बना लें, 12 महीने में कभी भी बना के रखें, चाय वगैरह के साथ भी इन्हें हम खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी होली भी आ रही है, होली में तो खासकर आप लोग ज़रूर बनाकर पहले से रख लें, एक बहुत बड़ा काम निपट जाता है जब नाश्ता बनकर पहले से तैयार हो जाता है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।